ओहो, वेडिंग में जाना है आज। मैं ये सारे जो मेरी आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल मुझे बहुत ही बेकार लगते हैं अपने फेस पे। मैं एक अच्छे आई मेकअप से इसको रिमूव कर दूंगी। आज मैं इसे एक अच्छे आई मेकअप से हटा दूंगी। क्या आप भी वेडिंग में जाने से पहले ये सोचते हैं? हाँ, अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल या काले घेरे की प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या आप भी उसे मेकअप उठाकर, बस मेकअप की किट उठाई और अच्छा सा आई मेकअप कर लो, फिर वो डार्क सर्कल हट जाएंगे। किसी को दिखाई नहीं देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि हमारी आंखों के नीचे ये इफेक्ट आ गया है। लेकिन यकीन मानिए, आप उसे दूर कर सकते हैं। उसे होम रेडमी एक बार आप ट्राई करेंगे, तभी आपको उसके हल्के फुल्के रिजल्ट। भाई, कोई चीज़ जब टाइमली आती है तो उसको थोड़ा सा टाइम पेशेंस के साथ दिया करिए कि हाँ, उसे रिमूव होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। फर्स्ट बार में आपको वो हल्के होते हुए दिखेंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है कच्चे आलू। आप उसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद उसके छिलके उतार लीजिएगा। छिलके उतारने के बाद हमें उसे कद्दूकस करना है। हाँ, ग्राइंड नहीं करना है, कद्दूकस कीजिएगा। फिर किसी कॉटन कपड़े से आसानी से प्रेस करके उसका जो रस होता है उसे निकाल लीजिएगा। आलू जो होता है उसमें स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक होती है, वो किसी भी निशान को हल्का करने में। सेकंड चीज़ लेनी है हमें चने का बेसन। हाँ, बेसन जो होता है हमें ऑयली स्किन से निजात दिलाने में बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये जिसकी स्किन बहुत ऑयली होती है, उसे मुहासे की दाने निकलने की प्रॉब्लम बनी ही रहती है। तो उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं गुलाब जल। हाँ, हम अपनी आँखों के पास इस पेस्ट को अप्लाई करने वाले हैं। तो गुलाब जल की हमें 5 से 6 बूंदें इसमें अप्लाई करनी है। तो इसके बाद हम ये अपना पेस्ट बना लेंगे। फिर ब्रश की सहायता से आपको मोटी परत लगानी है। जब आप एक बार अप्लाई करेंगे तो ये बहुत पतला सा होता है, लग नहीं पाता है। तो आपको इसकी मोटी परत, जहाँ पर आपके ज़्यादा डार्क सर्कल हैं, ये वाले एरिया में आप अच्छी तरह से इसको लगा लीजिएगा। लगाने के बाद आप इसे स्टोरेज करके नहीं रखिए, बनाइए तुरंत 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 लगाइए, तो बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। स्टोर करके नहीं रखना है इसको। तो हम एक मोटी परत आंखों के नीचे अप्लाई कर लेते हैं। अब मेरा पेस्ट बच चुका है, तो मैं इसे अपने फेस के अदर जो भी छोटे मोटे निशान हैं उसे भी रिमूव करने के लिए मैं पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। तो आप उसे लगाने के बाद जब वो सूखने लगे हल्का ही, तब उसके बाद आप ठंडे पानी से अच्छी तरह से अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा। आपको एलोवेरा जेल लेना है, थोड़ी सी क्वांटिटी में हथेली पर लेना है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, क्वांटिटी से हथेली में लेना है। उसके बाद आप ले सकते हैं, इसमें कैस्टर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो हम कैस्टर ऑयल की 2 से 4 बूंदे ही लेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। फिर हम एलोवेरा जेल को अच्छी तरह से उसमें मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। और फिर आपको 5 से 7 मिनट अपनी स्किन पे हल्के हल्के आँखों के एरिया के पास आपको मसाज करनी है। अच्छी तरह से मसाज करेगा, रिलैक्सिंग होकर मसाज करिए। आपको रात में टाइम मिलता है अपनी स्किन को देने के लिए, रात में तो बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। हम उसके बाद कोई भी धूल मिट्टी हमारे स्किन पे नहीं आ पाती है। तो आराम से आप रात को लगाइए, फिर इसको लगाने के बाद, मसाज करने के बाद आराम से रिलैक्सिंग होकर सो जाइए। अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो और आप, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी होम रेडमी आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।